एवरीवन, दिस इज निजय रावत। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एनर ब्लॉग्स के एक और नए वीडियोस में। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 7 बजे के करीब, और आज का जो मेरा ब्लॉग्स है घर की तरफ से, घर से बना रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग्स को। जैसे आप लोगों को पता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, मार्केट में जाना जाना भी सेफ नहीं हो रहा है। तो मेरी घर की और मार्केट की दोनों की ब्लॉग्स की वीडियो आती रहेंगी। और आज फ्राइडे का दिन है, जैसे कि आप लोगों को पता है कल वीकेंड्स का जो लॉकडाउन है, कल से वीकेंड्स का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तो कल मैं कहता हूँ मोस्टली सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें। और आज मैं अपनी फैमिली का ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये देखिए, मेरी बीवी लगी हुई है प्याज काटने में, खाना बनाने में। देखिए, ये देखो कैसे घूम के देखती है, देखो कैसे घूम के देखती है। और आज मैं आपको एक और चीज से मिलाता हूँ। चलो, मेरा रॉक्सी देखो, आज मैं आपको रॉक्सी से मिलाता हूँ अपने। ये देखो मेरा रॉक्सी, देखो कैसा है फ्रेंड्स। रॉक्सी आओ, कम, ये देखो कैसे खेलते हैं मेरे साथ। देखो, अरे मेरा लीड तोड़ दी इसने, मेरे रॉक्सी ने लीड तोड़ दी, मेरा माइक तोड़ दिया। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा रॉक्सी है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत शरारती है, देखो देखो देखो, ओए मारता भी है सबको। आ जाओ, ये देखो फ्रेंड्स, ओए माइक तोड़ दिया इसने मेरा, हट गंदा। वैसे अच्छा है, खेलता बहुत है, पर नुकसान कर देता है कभी कभी। नहीं करता यार, ये नहीं करता बेचारा, बहुत अच्छा है ये, हमारा रॉक्सी बिल्कुल नुकसान नहीं करता। देखो कितना आराम से बैठ गया, देखो फ्रेंड्स। हेलो बोलो, चलो हेलो बोलो, लगा हुआ ये भी आराम से बैठने में। तो बाकी आज हमारे घर में बन रही है फिश, हमारे घर में फिश बन रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फिश कैसे बनाई जाती है। जिन फ्रेंड्स को फिश नहीं बनानी आती तो देख सकते हैं वीडियोस को बहुत अच्छे से, कि फिश किस तरीके से बनाई जाती है। फिश आ चुकी है, मैं आप लोगों को फिश दिखाता हूँ। सबसे पहले यह देखिए, इनसे मिलते हैं। कौन है? हेलो हेलो मैडम, एक चैनल है मेरा भी एक चैनल है जिसे कोई नहीं देखता है। बोलो बोलो। अच्छा, 16 सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी मम्मी से। देखिए, ये रही मेरी मम्मी। हेलो मम्मी, हेलो बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको मच्छी बनाना सिखाती हूँ, बना के दिखाती हूँ। फिश बनती है, अभी हमें फिश बना रही है। तो फिश लाने का सबसे पहले फिश को वॉश करेंगे। देखिए, और अगर कोई फिश के पकौड़े पसंद करता है तो फिश के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो फिश के पकौड़े की भी सेम रेसिपी है, जैसे फिश बनती है वैसे फिश के पकौड़े की भी सेम रेसिपी है। ये फ्रेंड देखो, मेरी डॉटर आ गई दोबारा से, नीचे गई थी अभी ताऊ के यहाँ पे। ये देखो, हेलो बोलो फ्रेंड्स को। बोलो कैसे हो, पूछो कैसे हो। तो क्या आप इसको प्लेट में, थाली में ले सकते हैं? तो इसमें पहले आप साल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार, कोई ज्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, ये देखिए हल्दी डाल दी। अब बेसन डाल रही हूँ, बेसन इसे पकोड़े बनेंगे। पहले फिश बनाते हैं तो पहले सबसे पहले इसके पकोड़े बनते हैं। और मैं भी बहुत सारी चीज सीखने वाला हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीजें आ रही है बनानी। अब इसको मिक्स कर दिया, रेडी, मिक्स कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग, ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से लग जाए फिश में। पकौड़े बनेंगे इनके अच्छे से। तो बेसन जैसे देख सकते, थोड़ा कम है तो बेसन भी और डाल दें, ताकि पकौड़े थोड़ा अच्छे से बन जाए, क्रंची बने, इसलिए बेसन में ज़्यादा लगाया जाता है। कढ़ाई गर्म हो गई है, सही बात है। हाँ क्या, दो पकौड़े आपके पास? हाँ, दो बड़े वाले। ऐसे हर करते हो? अब तेल रख रही है इसमें, इसे खोल, ये इसमें ऑयल डाल देंगे हम। तो ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, तेल कम डालना है इसलिए, इसमें चर्बी रहती है, तेल ऑयल छोड़ता है इसलिए कम डालते हो तेल। तो देख सकते हो फिश में ऑयल कम डालता है, जैसे कि फ्राई करने के लिए भी, क्योंकि जो फिश होती है फिश भी ऑयल छोड़ती है, फिश की जो स्किन होती है, जो चर्बी होती है जिसको कहते हैं, तो उससे भी ऑयल छूटता है फिश से। तो इसलिए फिश को अगर आप लोग
बनाते हैं तो इसमें ऑयल कभी भी ऑयल की मात्रा देख सकते हैं, ऑयल की मात्रा को कम रखनी है। ये देख सकते हैं मम्मी अदरक और लहसुन का जो है मिक्स कर रही है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आप लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी मदर है, मदर तो आपको पता है देसी तरीके से बनाती है कुटा कुट करके। ये देख सकते हैं मदर का चलता है देसी तरीका, किचन रेसिपी देख सकते हैं आप लोग। तो अभी फिश में मसाले लगा चुके हैं, देख सकते हैं फिश की वजह फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं कितने कम ऑयल में भी देख सकते हैं पाइपर के चिप्पे से कर ऑयल फ्राई हो रहे हैं। हेलो ये देखिए फिश ब्राउन हो रही है। देख सकते हैं ऑयल का कोई ऐसी कमी नहीं है, ऑयल जो है बढ़ चुका है। ये देखिए सारे के सारे देखिए, तो इसलिए कहते हैं फिर अगर आप लोग फ्राई करते हैं तो ऑयल में कमी रखिएगा। और देखिए कितनी अच्छी फिश हो रही है, ब्राउन कर रही तरारी क्रंची टाइप की रहता है, कितनी क्रंची हो रही है फिश की। ब्राउन हो गया, ये आपको निकाल लें। ये देखिए ब्राउन हो चुका है, क्रंची हो चुकी है। ये फिश के पकोड़े कहते हैं, पकोड़े तैयार हो चुके हैं फिश के। अगर आप लोग पकोड़े टेस्ट करना चाहते हैं, पकोड़े ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये देखिए और डल रही है फिश। आप इनको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं ये भी फ्राई हो चुका है, ये भी क्रंची हो गई बिल्कुल। तो थोड़ा बेसन नेक्स्ट ट्राई रखेगा, थोड़ा बेसन जितने बेसन लगाते हैं उतना क्रंची होते हैं। बेसन कम सब्जी के कम चाहिए, खाओ तो पकौड़े खाने तो बेसन और ज्यादा डालते हैं। देखिए और हमारी सारी मछली फिश फ्राई हो चुकी है। तो इस ऑयल में मेथी डाल दी थोड़ी, इस ऑयल में मेथी डाल रहे हैं, देखिए हाफ स्पून मेथी डाल दी। सिक्स से सेवन पीस लहसुन के डाल दिए। और ये देखिए ये 3 से 4 पीस ऑनियन के हमने काट के डाल दिए, 3 से 4 पीस ऑनियन। ये तो मिक्स कर देंगे सबको। अभी तो ब्राउन होने देंगे, ऐसे तो प्रॉपर ब्राउन करेंगे इसको भी ऑनियन को। ये अदरक का जो अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन जो मेरी मम्मी ने देसी स्टाइल में कूटे थे, आप लोग पेस्ट यूज कर सकते हैं। ये
दिया, देखिए ब्राउन होने लग गए हैं ऑनियन। अभी ऑनियन हमारे ब्राउन हो गए, थोड़ा मसाला डालेंगे और हल्दी लाल मिर्च। नमक कम डाल, नमक पहले भी डाल चुका है, नमक कम डालेंगे, नमक थोड़ा कम डालेंगे इसमें क्योंकि हमने फिश में भी नमक डाला था। धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर डाल दिया आप स्पून, 1 स्पून धनिया पाउडर, टमाटर हरी मिर्च काट के रखे थे डाल दिए, गरम मसाला बाद में डालते हैं, टमाटर डालने के बाद ये देखिए गरम मसाला डालेंगे अब। करते रहेंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा अच्छे से दब जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं मसाला तैयार हो रहा है, मसाला तैयार हो गया है, पानी डाल दिया, थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि नीचे चिपके ना मसाला, इसलिए थोड़ा पानी डालते हैं इसमें, ऐसे कर पानी ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, गर्म पानी डाल लें गर्म ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, बाकी आप लोग ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पानी पक जाए कुछ बार मिर्ची डालेंगे, हमें पानी को ऐसे उबलने देंगे, खोलने देंगे ताकि मसाले पूरा मिक्स हो जाए इसमें, उसके बाद हम फिश को इसमें डालेंगे। अभी देखते रहिए और दिखाएंगे, अभी देख सकते हैं आप लोग पानी उबल गया है और पानी ग्रेवी भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और अब इसमें फ्राई वाली फिश डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग ये देख सकते हैं फिश पक रही है, बाकी अब इसको थोड़ा कवर कर देंगे ताकि थोड़ी जल्दी वो हो जाए, तो इसको 5-7 मिनट अपने को कवर रहने देंगे और जो उसकी गैस है लो फ्लेम में कर देंगे ताकि धीरे धीरे आराम से पकता रहे। धनिया डाल दिया है, देखिए ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी फिश तो जो आपकी जब फ्राई आप करते हैं तो पक जाती है और बाकी थोड़ी ग्रेवी के साथ पक जाती है। अब बंद कर दीजिए इसको, और ये हमारी फिश अब तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। बंद कर, ये हमने क्या है बंद कर दिए और ये हमारी फिश तैयार हो गई है। कैसी लगी हमारी वीडियो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे को कहना ही नहीं आता है कहना नहीं आता मेरे मम्मी को, मैं बुला ही नहीं कभी, तो सब्सक्राइब बच्चे सिखाते हैं सब्सक्राइब करना, और अब हमको कैसा लगा बताना। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको हमारी फिश वाली डिशेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे मेरी मम्मी फिश बनाने का तरीका लगा, और बाकी बिल्कुल देसी तरीका था, मामा जैसे बनाते हैं बड़े,
तो कहते हैं ना मदर का खाने का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, तो वही टेस्ट था। बाकी और कैसे लगे हम लोग हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं फिर अपनी किसी और अनदर वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।